जो आता है एक बार कटक, वो जाता है यहाँ पे अटक। एक्चुअली ये उड़िया में बोला गया था, मैंने आपको हिंदी में चिपका दिया। किसी ने कहा था जी आस्टी थोड़े कटक सी जाइची एटी अटक, ये जगह ही कुछ ऐसा है। तो जनाब आज हम हैं कटक में, और कहाँ है फिल्मी फूड, ये हमारा फर्स्ट लोकेशन है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे कुछ अलग एक ट्राई के एक डिश एक ट्राई करेंगे। मैंने सुना है कि बहुत ही फिल्मी मतलब माहौल है अंदर, कुछ एक हटके एक सेट ये एक बनाए हैं, तो अंदर जाके देखते हैं कि कैसा माहौल है, कैसे बनाए हैं ये, और पता करते हैं कि क्या क्या खाने को मिल सकता है यहाँ पे। तो चले, तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि इनका रेस्टोरेंट कैसा है। काफी अट्रैक्टिव है, काफी यूनिकनेस है। देखिए, और वहाँ पे मूवी भी चल रहा है, आप खाते खाते मूवी भी एंजॉय कर सकते हो। और देखिए चारों तरफ फिल्म के, हमारे फिल्मी सितारों के फोटो लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पुराने नए हमारे जितने भी बॉलीवुड के सितारे हैं उनके फोटो लगाए गए हैं दीवार पे। और कंफर्ट ऑफर्ट सबका ध्यान रखे हैं, क्या बात है। साउंड सिस्टम भी काफी अच्छा है, और इस तरह का हमारे हॉलीवुड के सितारे जो कि काफी लोकप्रिय हैं, काफी पसंद किए जाते हैं। और देखिए इस तरफ एवेंजर मूवी के हीरो हमारे सितारे, और उस तरफ हमारे बॉलीवुड के सितारे जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। काफी यूनिकनेस है और काफी अच्छा है ये, ऐसा आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है, काफी अनोखा आइडिया है। ये देखिए हमारे बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन सितारे जो कि हमारे दिलों में बसे हुए हैं। और बात करूं अगर कंफर्ट की, तो चेयर वेयर सब लगाया गया है, काफी अच्छा सिस्टम है। तो चलिए मैं अब आपको किचन का रिव्यू कराता हूं, देखते हैं कि क्या ऑर्डर कर सकते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगा। तो चलिए किचन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे असली एक्शन होता है। काफी बड़ा और बिजी किचन आप देख सकते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार सेठी। प्रदीप कुमार सेठी, तो भैया आज क्या बनाने वाले हो हमारे लिए? टंगड़ी कबाब। टंगड़ी कबाब, अच्छा। तो क्या क्या? चिकन है। अच्छा, चिकन लेग पीस है जी। अब इसको फर्स्ट मैंने सुना जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक लेमन जूस, और सॉल्ट। अच्छा, उसके बाद हैंकर। अच्छा, हैंकर है। हैंकर है, हैंकर है। इसमें जाएगा चिली, चिली चॉप, ग्रीन चिली चॉप, और कोरिएंडर चॉप, और गार्लिक चॉप, और ग्रीन चिली पेस्ट, काजू चॉप, कोसेज चीज। अच्छा, कोसेज चीज है। कोसेज चीज है जी जी। थोड़ा मसाला सज जाएगा। अच्छा, तो काफी अनोखा तरीका है ये टंगड़ी बनाने का, चिकन टंगड़ी। तो सी सी अर्स, तो इसको कितना टाइम तक मैरिनेट करके रखते हैं? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, थोड़ा मसाला हो जाएगा, थोड़ा सा सरसों का तेल। अच्छा, तो आप कितने साल से बना रहे हो? गरम मसाला है, गरम मसाला स्पेशल मसाला है, गुजरात पाउडर, काली मिर्च पाउडर,
थोड़ा दालचीनी पाउडर, उसके बाद थोड़ा चाट मसाला, व्हाइट सॉल्ट, नमक, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा कसूरी मेथी। क्या बात है, बहुत सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। तंदूर में डाल देंगे, इसका भी मैग्नेट के लिए रखा गया है, मैग्नीशियम के लिए। तो देखते हैं बाकी का प्रोसेस। भैया ने इसमें खूब सारा मक्खन डाल दिया है, खूब सारा बटर। ये क्या भैया, अमूल बटर है? अच्छा, अमूल बटर, क्या बात है। थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसको भी बॉईल करना पड़ेगा। तो बर्तन का तो रसमलाई काटने का डालेंगे, दूध है ये, हाँ दूध है। काफी मलाई कोफ्ता आइटम का तरह जैसा है ये। ये नमक डालेंगे। अच्छा, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला है, और ये मटन मसाला है, चाट मसाला है, थोड़ा सा थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा सूट कलर है, बाप रे बाप, खूब सारा मक्खन है, पूरा बटरी डिश है, बटरी चिकन। ये प्लस अमूल क्रीम, क्या बात है, अमूल मक्खन, अमूल क्रीम। बहुत ही हैवी होने वाला है ये। अच्छा, कोई भी अच्छी चीज में ना बहुत सारा मक्खन डाला जाता है।
दे दे चिकन। क्या बात है, क्या रंगत है। तो भैया क्या किए, दो टंगड़ी पीस में से दोनों का एक ग्रेवी एक बना दिए, जिसको क्या बोला जाता है भैया, कलमी पेशावरी मसाला। क्या बात है। ये दालचीनी का पाउडर। अच्छा, दालचीनी का पाउडर। तो इसको बोलते हैं जी असली नॉनवेज हेवन। तो असली नॉनवेज हेवन है ये, और मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सिनेमा हॉल में बैठा हूँ और अपना खाना एंजॉय कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, एक्सप्लेन बाद में, पहले खा के देखता हूँ कैसा लग रहा है। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है यार। पहले चिकन को रोस्ट कर दिए, उसके बाद इसको हल्का सा ग्रेवी इसमें बना दिए। क्या बात है यार, मजेदार है यार, बहुत ही मजेदार है। मेरे को एंजॉय करने दीजिए यार। खूब सारा मक्खन, खूब सारा बटर, खूब सारा क्रीम डाले थे। तो हर अच्छी चीज में बटर हमेशा थोड़ा सा ज्यादा डाला जाता है। वाकई यार, फूड हेवन अगर कहीं पे है तो यहीं पे है। सो सैटिस्फाइंग मैन। अब है असली चीज की बारी। This is one of the best chicken tandoori I have ever had. सच में यार, वर्ड्स कम पड़ रहे हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए। ये कितना टेस्टी है। वाह, सबर का फल मीठा होता है। बहुत टाइम वेट किए और मजा ही आ गया है, मजा ही आ गया यार। पहला एक्सपीरियंस ऐसा है, पहला स्पॉट ऐसा है, तो बाकी कैसा होगा। ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखे होता है क्या। I'm in love with Katak food.
अब आगे चलते हैं, क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए।